दोस्तों, अगर आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर फॉलोअर्स आने के बाद भी नहीं शो होते हैं, यानी कि काउंटिंग नहीं होती है, तो इस वीडियो को एक बार कंप्लीट देखना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस प्रॉब्लम को कैसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो जैसा कि गाइज, मैंने यहाँ पे 2 महीना पहले एक वीडियो बना रखी थी, मैंने यहाँ पे वीडियो में बताया था कि फॉलोअर्स काउंटिंग क्यों नहीं होते हैं। तो आप लोग का यहाँ पे कमेंट्स बहुत सारा मिल चुका है हमें, तो यहाँ पे काफ़ी सारा बॉयज एंड गर्ल्स का कमेंट्स आया हुआ है कि भाई मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। कुछ लोग तो कह रहे हैं अभी भी सॉल्व नहीं हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो थैंक यू करके यहाँ पे बहुत सारा मैसेज आया हुआ है, कमेंट्स आप लोग किए हो। और कुछ लोग तो भाई यहाँ पे कह रहे हैं कि अभी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, इंस्टाग्राम पर डेली के डेली यहाँ पे मैसेज आते हैं हमें। तो भाई इसलिए मैं आपके लिए वीडियो में बताऊंगा इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। अगर आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है इस वीडियो से तो आप हमें कॉमेंट्स करके बताना, क्योंकि कॉमेंट्स करने के बाद मुझे भी पता चल जाता है कि भाई की प्रॉब्लम जो थी यहाँ पे सॉल्व हो गई है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, काफ़ी सारे मैसेज आया हुआ है, कुछ लोग का कॉमेंट्स भी आया हुआ है यहाँ पे। भाई यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड का यहाँ पे हो गई है प्रॉब्लम सॉल्व, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, कमेंट्स करके आया हुआ है। और यहाँ पे आया हुआ कैसे हुआ क्या हुआ, मतलब बहुत सारा कमेंट्स आप यहाँ पे देखोगे तो भाई आपका दिमाग यार इधर उधर का हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा कमेंट्स आया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो भाई थैंक यू जरूर से लिखना, मैं आपको बताऊंगा इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है तो वीडियो को कम्प्लीट देखना। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन करना है। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, मेरा एक यहाँ पे देख सकते हो सेकंड अकाउंट है, मेरा पर्सनल अकाउंट जो है, मेरा जो ऑफिशियल अकाउंट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो वीडियो से, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पर रिप्लाई आपको दे दूँगा। ठीक है, बाकी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता देता हूँ। और कुछ लोग का यहाँ पे कॉमेंट्स से मैसेज देखने को मिलता है कि भाई हमारे फॉलोअर्स यहाँ पे आते हैं लेकिन बढ़ते नहीं हैं। और कुछ लोग का कहना है कि यहाँ पे जो मेरे 36 फॉलोअर्स हैं, इसमें से आने के बाद तो बढ़ना चाहिए बट यहाँ से घट भी रहे हैं, 36 से 35 हो जा रहे हैं बट बढ़ नहीं रहे हैं। तो भाई मैं आपको दोनों सॉल्यूशन बताऊंगा इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो इजीली। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक जो होता है फॉलोअर्स जो ड्रॉप होते हैं क्यों होते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, 2-3 महीना पहले इंस्टाग्राम ने यहाँ पे जो खुद बताया था कि भाई जो भी फेक अकाउंट्स हैं, जो भी बोट्स वगैरह, आप जो फेक अकाउंट से फॉलोअर्स लेते हो, वेबसाइट से, एप्लीकेशन से लेते हो, तो वो सभी के सभी अकाउंट को यहाँ पे रिमूव कर रहा है इंस्टाग्राम, कर दिया है और कर भी रहा है। तो आप लोग टेंशन मत लेना यार, जो भी आप अगर पैसे से वगैरह बहुत सारे वेबसाइट से अगर फॉलोअर्स लिए हो, फेक फॉलोअर्स लिए हो, तो आपके फॉलोअर्स यहाँ पे एक एक करके घट ही जाएंगे, आज नहीं तो कल सबके सब फॉलोअर्स आपके ड्रॉप हो जाएंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेने हैं, आपके जो रियल फॉलोअर्स रहेंगे वो कभी भी नहीं घटेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपको बता दिया हूँ, जो ड्रॉप होते हैं फॉलोअर्स, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप रियल फॉलोअर्स बढ़ाओ रील्स डालकर, ताकि रील्स आपकी वायरल हो और आपके रील्स के थ्रू आपको ढेर सारे फॉलोअर्स मिल सकें। तो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा मैं बताता हूं आखिर फॉलोवर्स आने के बाद काउंटिंग क्यों नहीं होते हैं। तो भाई एक गिलिच हो सकता है, बग भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता देता हूं। आपको करना क्या है, सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा प्रोफाइल में आने के बाद 3 लाइन, आपको 3 लाइन पर सिंपली टैप करना है। उसके बाद सबसे ऊपर आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है गाइस, आपको यहाँ पे टैप करना होता है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हो फिर आपके सामने इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, काफ़ी सारा ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको प्राइवेसी का ऑप्शन ढूंढ लेना है, सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा, तो आपको यहाँ पे टैप करना है। फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा प्राइवेट अकाउंट का, सबसे ऊपर आपको यहाँ पे कन्वर्ट कर लेना है प्राइवेट अकाउंट, यानी कि भाई स्विच टू प्राइवेट अकाउंट कर लेना है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कब आपको पब्लिक करना है। यहाँ पे प्राइवेट अकाउंट पर क्लिक करना है, स्विच टू प्राइवेट पर क्लिक कर देना है, आपकी यहाँ पे अकाउंट हो जाएगी प्राइवेट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यानी कि आपकी प्रोफाइल हो चुकी है लॉक, जैसे कि आप फेसबुक में लॉक कर लेते हो प्रोफाइल को, कि ताकि मुझे कोई फॉलो, मतलब फॉलो तो कर सकता है बट मेरी प्रोफाइल कोई देख नहीं सकता, जो मैं पोस्ट किया उसको कोई देख नहीं सकता। तो आप लोग फेसबुक में करते हो और इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हो। आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको प्रोफाइल लॉक करना है, और मैं आपको बता दूं इसको कब अनलॉक करना है, यानी कि स्विच टू पब्लिक में कब कन्वर्ट करना है, 48 आवर्स यानी कि 48 घंटे आपको वेट करना है गाइज। आपको 48 आवर्स वेट करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे पब्लिक में कन्वर्ट कर लेना है, यहाँ पे 3 लाइन पर जाकर के, जैसा कि मैंने आपको बताया है, बस उसी तरह से आपको जाकर यहाँ पे पब्लिक कर लेना है। ठीक है, पब्लिक करने के बाद आपके अपना अकाउंट जो है, आपका जो यहाँ पे एप्लीकेशन है इंस्टाग्राम, उसको फिर से जाकर चेकआउट करना। और हाँ गाइज, जब भी आप 48 घंटे बाद आना इंस्टाग्राम पर, सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर के अपडेट कर लेना। ठीक है, देखना अपडेट आया है या नहीं, अपडेट आया होगा तो आप अपडेट कर लेना। अपडेट करने के बाद इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन कर लेना और उसके बाद आप पब्लिक कर लेना। उसके बाद आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी यहाँ से। अगर हो जाती है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में थैंक यू जरूर लिखना है, उससे पता चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब।